हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान के जयपुर समाचार में आपका स्वागत है। जयपुर के चौमू में ट्रेलर और कार की भिड़ंत के चलते तीन युवतियों सहित चार का बड़ा ही मामला देखने को मिला है। दरअसल मृतकों में दिल्ली पुलिस में कार्यरत कांस्टेबल और उसकी पत्नी भी शामिल है। इस घटना में कार सवार घायल है, जिसे जयपुर रेफर कर दिया गया है। यह घटना दोपहर करीब 3:30 बजे जयपुर के रेनवाल थाना क्षेत्र के हरसोली मोड़ के पास हुई है। मौके पर मौजूद रेनवाल थाना प्रभारी उमराव सिंह ने बताया कि ट्रेलर चौमू से रेनवाल की ओर जा रहा था। कार सवार किशनगढ़ से दवा लेकर मंडा बिंडा गोविंदगढ़ की ओर जा रहे थे। रविवार दोपहर करीब 3:30 बजे चौमू रेनवाल मार्ग पर हरसोली मोड़ के पास कार और ट्रेलर की भिड़ंत हो गई थी। इस घटना के दौरान मंडा बिंडा गोविंदगढ़ निवासी गीता देवी 45 वर्षीय पत्नी रामस्वरूप यादव और रमकी देवी 65 वर्षीय पत्नी कजोड़ मल यादव, जबकि डोंगरी रेनवाल के रहने वाले विमलेश 35 वर्षीय पुत्र बदीसर यादव और सुशीला देवी 32 वर्षीय पत्नी विमलेश यादव की शिनाख्त के दौरान पहचान की गई। इसी दौरान पुलिस ने इस पूरे मामले की रिपोर्ट को दर्ज करते हुए मामले की जांच पड़ताल शुरू कर दी है। सो दोस्तों, ऐसी खबरें दिखाना आपको विचलित करना नहीं बल्कि सचेत करना है, ताकि समाज में घटने वाली घटनाओं से बचा जा सके। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद दोस्तों।